मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़ कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे अरे लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़ कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी। ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।